वैवाहिक सीजन आने के साथ ही आयोजनों में मेहमान के साथ घुसने वाले बदमाश एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा के आशियाना मैरिज गार्डन से सामने आया है, जहां वैवाहिक कार्यक्रम के बीच एक बदमाश के द्वारा बेटी के पिता का पैसों से भरा बैग पार कर दिया गया। 2 दिन पहले हुई इस घटना का CCTV फुटेज अब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे शातिर बदमाश ने बड़ी सफाई से लगभग 3,20,000 रुपए से भरे बैग को लेकर रफू चक्कर हो गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत समान थाने में दर्ज करवाई थी। समान थाना प्रभारी JP पटेल ने बताया कि जिले के अतरैला थाना अंतर्गत हरदहन निवासी तिवारी परिवार अपनी बेटी का तिलक लेकर रीवा पहुंचे थे। कार्यक्रम का आयोजन आशियाना मैरिज गार्डन में चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान ही बेटी के पिता ने कुछ देर के लिए अपना बैग स्टेज पर रखकर फोटो खिंचाने लगे। सभी लोग अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए स्टेज के पास रखे बैग को बदमाश चुपके से लेकर चंपत हो गया। इधर स्टेज में रखे अपने बैग को लेकर जब दुल्हन के पिता पहुंचे तो वह भौचक्के रह गए। पूरे मैरिज गार्डन में बदमाश की तलाश की जाने लगी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला है। ये देखिएगा, ये फिर बैग रखेंगे यहाँ, देखिए ये आप देखिए, ये डालेंगे बैग इसमें, ये डाल दिए बैग, इसी में पैसा है, ये डाल दिया। ये भैया इनको कुछ बुला लिया थे, चले गए, यही रख दिए, अब यहीं से उठाएगा बंदा, यहीं इसको ट्रैक कर देगा। ये देखिए, ये बैग ये रख दिए, ये रख दिए, अब यहीं से उठाएगा बंदा, यहीं आएगा, आएगा उठा के निकल जाएगा। वो इधर ही खड़ा हुआ है, ये बंदा, ये इसको आप ट्रैक करिए, हाँ ये बंदा है, ये लेके निकल रहा है, ये अब दूसरे में करिए, ये आएगा, ये सब्जी वाला हाँ निकल गया, ये बैग जी अभी 2 दिन पहले जो है रात में आशियाना मैरिज गार्डन में एक तिलक का कार्यक्रम था, जिसमें जो है 2 पार्टी आई हुई थी, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष, वहाँ तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान उस कार्यक्रम में एक तीसरा व्यक्ति जो बदमाश रहा होगा शामिल था, उसको किसी ने गैस नहीं किया। जब ये लोग बैग को, जिसमें पैसा 3,20,000 बताया गया है, वो रख करके फ़ोटो वगैरह खिंचवाने लगे, उसी दौरान उस बैग को एक लड़के के द्वारा पार कर दिया गया। हाँ, CCTV फुटेज वगैरह आया है, लेकिन इस तरह के गैंग काफ़ी जगह सक्रिय हैं और ये मतलब अलग अलग शहरों में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बाहरी गैंग लग रहा है, उसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं।